अगर इन खबरों को देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसटीवी न्यूज को, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। राजनीतिक जो संकल्प मैंने लिया था वो 13 जनवरी 2013 को वो निषाद राज के किले पर लिया था, जहां कभी भगवान राम वनवास को जाते वक्त अपना कदम रखे थे और बड़े भाई निषाद राज के गले मिले थे तो दुनिया में शांति आई थी। अब बदले में निषाद राज ने अपनी सेना देकर श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था, रावण का वध हुआ था। तो दो राज था, एक रावण राज एक राम राज। तो रावण राज खत्म होकर पूरे देश में राम राज आया था। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर संजय निषाद को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दिखने लगी है। आगरा में निषाद पार्टी के जिला उपाध्यक्ष अमर सिंह स्मार्टर और चरण सिंह निषाद ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे निषादों के मसीहा डॉक्टर संजय निषाद को कैबिनेट मंत्री का कार्यभार सौंपा है। इस उपलक्ष्य में हम सभी निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश और जुनून के साथ खुशी की लहर दिख रही है। देखिए 25 तारीख को लखनऊ अटल बिहारी वाजपेयी जो भवन है वहाँ पर हम पहुँचे तो वहाँ पे देखने को बहुत अच्छा नज़ारा मिला कि निषाद समाज का एक जत्था खड़ा हुआ, एक झंडे के नीचे सबके सब लोग खड़े हुए। आज हमें सबसे बड़ी खुशी ये है कि निषादों का कोई मसीहा पैदा हुआ है जो है डॉक्टर संजय निषाद। पहली बार किसी ने झंडा उठाया है और झंडे के नीचे सब आए हैं। 6 मंत्री पहली बार बने हैं जो कि डॉक्टर संजय निषाद का वजूद है। इस वजह से 3 कैबिनेट में और 3 राज्य में। डॉक्टर संजय निषाद को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने पर समाज सेवी चरण सिंह निषाद ने केला देवी जाने वाले भक्तों को जल पिलाकर आशीर्वाद भी लिया। समाज सेवी चरण सिंह निषाद ने बताया कि 6 अप्रैल को निषाद पार्टी के कार्यकर्ता गृहराज निषाद की जयंती में बड़ी संख्या में शामिल होंगे। आगरा से ब्यूरो चीफ हरिओम शास्त्री की ये रिपोर्ट। मैं चरण सिंह निषाद हूँ जी आगरा से हूँ सर जी, और मैं आपको आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ जी। और मैं एक समाज सेवी हूँ जो मेरी अंदर की भावना है जी, जो अभी क्या पिछले से भी है, पीछे से बहुत काफ़ी समय से हम समाज सेवी हैं जी, और हमें किसी पद की किसी भी पार्टी से कोई भी धर्मा नहीं है, सिर्फ हमें अपना समाज सबका साथ सबका विकास करना है जी। और हम शपथ समारोह गृह में गए थे जी, तो वहाँ हमने देखा कि डॉक्टर साहब हमारे समाज के कैबिनेट मंत्री बने और आगरा में 9 की 9 सीट जीते जी, 9 की 9 सीट NDA के गठबंधन से जीते, उसमें से 3 मंत्रियों को पद। अब पता है इससे खुशी की बात और ज़्यादा क्या होगी, इसलिए हम केला देवी पदयात्रियों को जलपान ग्रहण करा रहे हैं। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसटीवी न्यूज को, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें।